हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 गणित के चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में। साथ ही साथ इसी वीडियो में बच्चों हम आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करना भी सिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो को खूब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत ही आसान चैप्टर है, फिर भी ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँगा और ये कंसेप्ट हर एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग इग्नोर कर रहे थे, उनको लगता है बहुत ही ईजी है, बट बच्चों हम आपको बताएं एक्सरसाइज 2.1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको अगर हम लोग इग्नोर करें, उनको ध्यान न दें, तो उससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखो, हमें लगेगा कि हम करेक्ट कर रहे हैं, बट पीछे आप देखेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। मेजॉरिटी आप लोगों को मैंने देखा ये कहते हुए कि आप खुद से चेक करो आपका आंसर सही है, वहाँ आप देखोगे आंसर शीट में गलत हो रहा है तो आंसर शीट गलत है। नहीं बच्चों, आंसर शीट गलत किसी भी क्वेश्चन की नहीं है। मैं आपको पहले से बता देता हूं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम पर्टिकुलर मैच करते हैं अगर आप उसको सही तरीके से लगाएंगे तो। उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, क्लास 11 में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो त्रिकोणमितीय फलन है ना, उनको आवर्ती फलन कहा जाता है। ये अपने ही मान को बार बार रिपीट करते हैं, अपने ही मान को बार बार दोहराते हैं। तो क्या है, जैसे साइन जीरो का मान भी जीरो होता है, साइन पाई का मान भी जीरो होता है, साइन टू पाई का मान जीरो होता है, लेकिन पर्टिकुलर आंसर जब आप लोग देंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो वहां पर बताया गया था कि जीरो से टू पाई तक ही आप लोग लेते हैं। तो यहां पर बच्चों हम लोग जो हल करेंगे इसमें मुख्य मान ज्ञात करना होता है, व्यापक मान नहीं ज्ञात करना होता है, इसलिए विशेष ध्यान आपको देना होता है। जब मुख्य मान आप निकालेंगे तो वह एक ही निकलेगा और आपका आंसर मैच करेगा। अगर आप व्यापक में चले जाएंगे तो आपको पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी उसी तरीके से आवर्ती होंगे, उनका भी अलग अलग मान आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बच्चों प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, उसके साथ साथ हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था बच्चों कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कुल मिला के 6 हैं। जैसे हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उन्हीं से हमारे 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनते हैं। साइन इनवर एक्स, कॉस इनवर एक्स, टाइन इनवर एक्स, कॉसेक इनवर एक्स, सेक इनवर एक्स और कॉट इनवर एक्स, ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। और साथ ही साथ बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरीके से क्लास 10th में 11th में आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा और आपने देखा कि उन्हीं केवल 6 त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस आप लोग बनाते हैं, उन्हीं रिलेशंस का यूज करके आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वैसे ही क्लास 12th में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में डिफरेंट टाइप के रिलेशन को हम लोग डिराइव करते हैं और उनका यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बना करके दिखाया भी था कि वो रिलेशन क्या है और उसका डेरिवेशन भी मैंने करने के लिए आप लोगों को बोला था। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों। जितना टास्क आपको दिया जाए डेली उसको करके आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर भेजना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी बच्चों का नाम लेने वाला हूं जो मेरे पास व्हाट्सअप पे अपना होमवर्क सेंड करेंगे। जो बच्चे सेंड करेंगे उसका नाम हम जरूर लेंगे और उनकी कॉपी भी दिखाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों आज के इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इनका डोमेन और रेंज क्या है, या इनका मुख्य मान कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है। तो मैंने सुविधा के लिए बच्चों पहले से लिख दिया है और इसको आप लोगों को पहले से ही याद, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पहले से पता है कि बच्चों साइन का मान -1 से 1 तक होता है। तो तक होता है पहले मान, अब उल्टा हो गया तो जो वहाँ पर रेंज थी वो डोमेन हो गई ना, और जो कोडोमेन था वो मान आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो जाएगा ना, मैंने कल बताया था आप लोगों को। तो बच्चों ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है ये -1 से 1 से माने क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक डिफाइन होता है। अभी आपको क्लास 12th में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो ऑलरेडी आपको लर्न है कि साइन का मान -1 से 1 तक होता था। तो उसका इनवर जब निकालोगे तो इसका ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गई, तो साइन इनवर का जो मान होगा बच्चों मुख्य मान वो -π/2 से +π/2 तक होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -π/2 और +π/2 भी बच्चों उसमें क्या है, इंक्लूडेड है, उसमें वो शामिल है। देखिए एक चीज सुनिएगा ध्यान से बच्चों, मैंने कल भी बोला था कि साइन इनवर जो है वो किसको दिखाता है, एंगल को दिखाता है बच्चों, कोण को दिखाता है, इसलिए ये इसका मान आएगा। जब कभी भी आप साइन इनवर टाइप का फंक्शन सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो लास्ट में आप जरूर देखेंगे कि वो वैल्यू -π/2 से +π/2 तक ही होनी चाहिए ना, क्योंकि पाई अगर आप ले लोगे तब भी तो उसका मान +1 हो जाएगा,
ठीक है, माइनस पाई लोगे, सॉरी पाई पर तो जीरो हो जाएगा, और बहुत सारे मान आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर इसका मान प्लस वन होगा कि नहीं होगा। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि साइन इनवर का जो वैल्यू होगा वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक होगा। वैसे ही बच्चों अगर हम कास इनवर की बात करें तो इसका डोमेन सेम है और ये क्लोज इंटरवल जीरो से पाई लिखा है, इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो जीरो से पाई तक होगी, जीरो से पाई तक बोल रहा हूं क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। अगर हम बच्चों ऐसे ही कॉसेक की बात करें तो ये डिफाइन तो सबके लिए होगा, ऑल रियल नंबर के लिए माइनस वन और वन पे डिफाइन होगा। क्यों क्यों? क्योंकि यह आपने वहां पर ग्राफ बना के मैंने क्लास 11 में आपको दिखाया था कि कॉसेक का मान जो होता है वो माइनस कहाँ से होता है, माइनस वन के नीचे और प्लस वन के ऊपर होता है, प्लस वन से लेकर के उसके ऊपर, माइनस वन से लेकर के उसके नीचे, मैंने ग्राफ आप लोगों क्लास 11 में बनवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से कॉसेक का यहाँ पर लिखा गया बच्चों क्लोज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, लेकिन बीच में जीरो को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ऐसे ही सेक इनवर का लिखा है बच्चों जीरो से पाई, लेकिन माइनस पाई बाई टू पर डिफाइन नहीं होगा, क्लोज लगा हुआ है। टैन इनवर का है बच्चों माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, देखो एकदम सेम है, साइन का और टैन का सेम है, बस अंतर इतना है वहां पर क्लोज लगा हुआ है बच्चों, यहां पर क्या लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है। वैसे अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट इनवर आर से कहां डिफाइन होगा बच्चों, जीरो से पाई, जीरो से पाई देखो कॉस वाली वैल्यू, बस यहां पर ओपन लगा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड यूज करेंगे तो चुटकियों में एक मिनट में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको लर्न हो गए होंगे और हम लोग इसको अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो इसको आप लोग बच्चों अपनी कॉपी में नोट करेंगे, लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू या प्रांत और सह प्रांत करके आप लोग इस टेबल को बना लेंगे, आपकी बुक में टेबल बनी भी हुई हुई है। ठीक है, अब आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। देखो बच्चों प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही आसान हैं, उसको अधिकतर बच्चे हमने देखा है उसको स्किप कर देते हैं, उनको लगता है बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से कंसेप्ट की शुरुआत होती है। मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि अगर इस कंसेप्ट को लोग ध्यान नहीं देते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करता आंसर शीट से और वो बोलते हैं कि आंसर शीट ही गलत है, लेकिन आंसर शीट का कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। करण निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, उसके पहले बच्चों आपको एक फार्मूला सिखा दें, जैसे कहीं लिखा बच्चों साइन इनवर, ध्यान देना साइन इनवर साइन थीटा, मान लो कहीं लिखा होगा बच्चों तो ये इनवर इससे खत्म होकर के यहां पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, या कहीं ऐसे लिखा होगा साइन साइन इनवर एक्स लिखा होगा बच्चों तो ये इससे खत्म होकर के कितना बचेगा एक्स, मतलब साइन इनवर से साइन ये खत्म हो जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। तो आइए इसी कंसेप्ट का यहां यूज करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है साइन इनवर माइनस वन बाई टू। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, जब तक ये इनवर नहीं हटेगा तब तक आपको इसका सलूशन नहीं मिलेगा। इनवर कब हटेगा, जब अंदर साइन आएगा। अब आप सोचो कि साइन कितने का मान वन बाई टू होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 अंश का, तो लिखिए इसको बच्चों कैसे लिखोगे, साइन इनवर, ठीक है ध्यान देना, माइनस साइन पाई बाई सिक्स मीन साइन 30 डिग्री। बातें समझ में आ रही हैं। अब बच्चों देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर साइन माइनस पाई बाई सिक्स लिखेंगे बच्चों। अब देखो साइन इनवर से साइन हो गया खत्म, बचा कितना बच्चों आपके पास पाई बाई सिक्स, दिस इज योर आंसर। लेकिन आंसर कहने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि साइन का मुख्य मान माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक होना चाहिए। क्या जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करती है या नहीं करती है सर, क्योंकि माइनस पाई बाई टू का मतलब माइनस 90 होता है और माइनस पाई बाई सिक्स का मतलब माइनस 30 होता है, तो माइनस 30 जो है वो माइनस 90 से बड़ा है और प्लस 90 से छोटा, उसी के बीच में बिलोंग करता है, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ना, ऐसे ही ये भी हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो बच्चों यहां पे लिखा है टैन इनवर माइनस का रूट 3, टैन इनवर माइनस का कितना लिखा है बच्चों रूट 3, इसको भी आराम से आप कर लोगे। कैसे, यहाँ लिखोगे टैन इनवर और यहाँ लिखोगे माइनस टैन, कितने की वैल्यू है बच्चों ये पाई बाई 3 की वैल्यू है ना, 60 अंश का मान है, तो क्या लिखोगे टैन इनवर टैन माइनस पाई बाई रूट 3। ठीक है, ये खत्म होगा माइनस पाई बाई रूट सॉरी पाई बाई 3 बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन माइनस में। अब टेन पे चेक कर लो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, उसी के बीच में आ रहा है। देखो कहीं कहीं आप देखोगे बच्चों जहाँ से जहाँ के बीच में उसका मान आना चाहिए वो वहाँ से वहाँ के बीच में नहीं आता है,
वहाँ से वहाँ के बीच में नहीं आता है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके मुख्य मान के बीच में ले जाकर के उसको वैरी कराना पड़ेगा, उसके बीच में जाकर के जब वो वैरी करेगा तब जाकर के आपका आंसर करेक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे कि किस कंसेप्ट का यूज करते हुए आपको प्रश्नावली 2.1 को हल करना है। बहुत ही आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हम ये प्रयास करते हैं कि अपने डियर स्टूडेंट्स को हम पहले कंसेप्ट सिखा दें और मैक्सिमम क्वेश्चन वो लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका खुद का कंसेप्ट बनेगा, खुद का लॉजिक होगा। अगर सारे क्वेश्चन को हम खुद से आपको सॉल्व करा देंगे देन आप लोग खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो ज़्यादा मज़ा उसमें नहीं आएगा और आप कमज़ोर भी हो जाएंगे। सो कल से लेकर के आज तक मैंने प्रश्नावली 2.1 के सारे कंसेप्ट को, सारे रूल रेगुलेशन को आपको समझा दिया है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इन सारे कंसेप्ट का यूज़ करते हुए बच्चों आप लोग साइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी देन आप मेरे पास व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, उसको उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो के साथ हो जाएगा। आज का होमवर्क रहा बच्चों आप लोगों का, क्या आपको एक्सरसाइज 2.1 बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जैसा मैंने बोला कि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे मैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाने का आप लोगों का प्रयास कर रहा हूँ। कई सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, मैं तो काफ़ी दिन से इस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ मतलब YouTube के माध्यम से, तो कई सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं सर वीडियो कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए, सर वीडियो एक घंटे का होना चाहिए। आप एक बार सोच के देखो, मैं जो भी वीडियो जब प्लान करता हूँ तो उस वीडियो में मेरी एक प्लानिंग रहती है कि इस वीडियो मुझे इस कंसेप्ट को कवर कर लेना है। जैसे इसका मेरा टॉपिक क्या था, मुझे एक्सरसाइज 2.1 तक कवर कर लेना। आप खुद सोचो, अब अगर मैं इस वीडियो को और लंबा करना चाहूँ तो क्या होगा, मैं 2.2 पर डिस्कस करूँगा तो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक कंसेप्ट चलें, जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप 2 घंटे का लेक्चर मांगोगे, मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि उस समय आपको सब कुछ पता होगा। मैं ऐसे बोलते चले जाएंगे, आप सुनते चले जाएंगे और आप समझ भी जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का जो भी लेक्चर आप लोगों को मिल रहा है, 12 मिनट 15 मिनट का, उसको आप लोग सुनिए, समझिए और टास्क को कंप्लीट करिए। आप ये प्रयास करिए जितना हम कह रहे हैं उसको आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपने टाइम को आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग 2.1 को सॉल्व करके मेरे पास आज ही जरूर भेज देंगे। तो ठीक बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।